सो हेलो फ्रेंड्स, रवि मोटर गैरेज चैनल पे आपका फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। तो आज मेरे पास एक सुपर स्प्लेंडर बाइक है, उसमें बाइक ओनर का कहना है कि बाइक में माइलेज 30 किमी पीएल माइलेज दे रहा है। ओके, तो किस लिए दे रहा है, क्या कारण हो सकता है और क्या क्या चेक करना चाहिए, पूरा डिटेल्स दूंगा इस वीडियो में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको इस बाइक का प्लग, स्पार्क जो प्लग है वो पहले हम खोल के आपको दिखाते हैं। तो देखिए स्पार्क को गौर से देखिए, ये जो यहाँ पे व्हाइट है, ओके, और इस साइड से देख सकते हैं ब्लैक है, ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही ब्लैक, थोड़ा सा ब्लैक हो सकता है मगर इस इतना ज़्यादा ब्लैक इसमें नहीं होगा। देखिए इतना ज़्यादा कार्बन जम गए, इसे नाखून से मैं क्लीन कर दूँ तो कर दे रहा हूँ, तो ये इस तरह से देख सकते हैं, देखिए ये व्हाइट हो गया है। ओके, इतना ज़्यादा कार्बन इस साइड से जम रहा है, तो क्या कारण हो सकता है। तो इस बाइक का पहले कार्बोरेटर भी क्लीन किया हुआ है। ओके, कार्बोरेटर क्लीन हुआ है और एयर फिल्टर को मैं, वो बाइक ओनर बोला कि एयर फिल्टर भी एकदम क्लीन है, नया लगाया है। ओके, इसके उसके बावजूद भी ऐसा बाइक लोकल में माइलेज 30 दे रहा है, 30 किलोमीटर। पहले इसका बाइक 40 से 45 तक दे रही थी, अब 30 दे रहा है, तो क्या कारण हो सकते हैं, तो एक एक करके देखूंगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो चलिए। तो फ्रेंड्स, मैं दूसरा बाइक का स्पार्क प्लग खोल के आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली जो स्पार्क प्लग है, जो बाइक अच्छा माइलेज दे रहा है, उसका प्लग कैसे रहता है। ओके, तो आपको कॉन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। उसके बाद मैं वीडियो उस बाइक का प्रॉब्लम दिखाऊंगा कि एक्चुअली किस कारण से इसका जो माइलेज वो ज़्यादा कम दे रहा है। गौर से देखिए इसका जो प्लग, उतना भी इस टाइप में कालापन नहीं है। ओके ओके, तो दूसरा भी प्लग आपको दिखाऊंगा, तो ये माइलेज अच्छी दे रही है, ये हॉर्नेट बाइक है। ओके, ये प्लग और आपको दिखाता हूँ दूसरा प्लग। देखिए ये जो प्लग, ये हॉर्नेट बाइक से मैंने खोला है। गौर से देखिए। ओके, और ये देखिए इस सुपर बाइक का है, सुपर स्प्लेंडर बाइक का, देखिए देख सकते हैं इसका जो ये वाला जो ये है प्लास्टिक वाला, सॉरी, तो ये चीना माटी आप देख सकते हैं, ये भी काला हो गया। और इसका देखिए ये जो चिनामटी वाला जो पार्ट है वो भी बिल्कुल व्हाइट है। ओके, तो इस तरह से इसमें ब्लैक माइलेज में दे रहे, खराब माइलेज, तो क्या क्या करना चाहिए। तो पहले तो बता देता हूँ मैं कार्बोरेटर को, उस दूसरे मैकेनिक ने कार्बोरेटर को क्लीन किया है और बता रहा है कि जो इसका जो टैपेट क्लियरेंस भी सही है। ओके, वो देखा है और एयर फिल्टर भी सही, उसके बाद भी ऑयल पेट्रोल ज़्यादा पी रहे, तो सब कुछ सही होने के बाद भी पेट्रोल पी रहे, तो एक हम एक और चीज़ चेक नहीं किया है उस मैकेनिक ने, कि यहाँ का जो सेकेंडरी एयर इंजेक्टर आप देख सकते हैं, ये भी इसमें ये भी गुरुत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है ऑयल के मामले में, तो ये भी हम खोल कर एक बार देख लेंगे। ओके, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, सही इन्फॉर्मेशन दूंगा, वीडियो को देखिए पूरा। तो 10 mm का दो बोल्ट इसमें खुलेगा यहाँ से और यहाँ पे देखिए। ओके, ये वाला ये खोलने से बाहर रह जाएगा, बाहर आके आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। और दोस्तों इसका इंजन ऑयल भी अच्छा है। ओके, इंजन ऑयल खराब होने से भी आपको माइलेज कम देगा, तो इंजन ऑयल भी 10 दिन हुआ है,
उसके बाद भी माइलेज में ये समस्या आ रही है। तो चलिए हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें इस तरह से, ये देखिए ये क्या है, ओके। और यह आपका वाल्व देखिए, ये जो रीड वाल्व है, रीड वाल्व में भी कितना सारा इसमें ऑयल और ये जो कार्बन जम गया है। तो आपको बता देता हूँ, ये रीड वाल्व एकदम पतला फिनिशिंग सा है, ओके। इसमें थोड़ा सा जब घुल जाएगा तो ये लीक करेगा। इसमें इसका जो वाल्व, इसका जो मेन काम जो ऑन वे वाल्व होता है, तो ये सही से काम नहीं कर पाएगा, जिसके लिए आपको पेट्रोल में माइलेज में दिक्कत आ सकता है। तो अब हम इसमें अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद लगा के चेक करके, ओके, स्पार्क प्लग दोबारा के से खोल के आपको माइलेज और माइलेज को ठीक से माइलेज मीटर से माप के भी आपको टोटल दिखाऊंगा। चलिए इसको क्लीन करके फिटिंग करते हैं। आस्ते आस्ते आस्ते। तो मैंने रीड वाल्व को देखिए, ये जो रीड वाल्व, ये देखिए रीड वाल्व पहला, और ये देखिए देख सकते हैं रीड वाल्व में कितना सारा, और यहाँ से देखिए, ये देखिए इस तरह से कार्बन जम गए, ये दोनों ही देखिए। तो ये पहले आपको क्लीन कर लेना होगा, ओके। तो चलिए क्लीन कर लेते हैं अच्छी तरह से। फाइनली मैंने सुपर स्प्लेंडर बाइक का जो ऑयल मापने के लिए ये टूल्स यूज़ किया है। 100 ml का तेल इसमें देखिए यूज़ किया हूँ, ओके। तो ये कार्बोरेटर में जो तेल ऑयल है वो ख़त्म हो जाने के बाद ही ये चाबी को ऑन करूँगा और इसका माइलेज आपको टोटल चेक करके बताऊँगा, ओके। मैंने कर दिया ट्रिप मीटर को 0, आप देख सकते हैं ये जो ट्रिप मीटर है 0 कर दिया मैंने, 00 है, ओके। सही, अभी 0 नहीं करूँगा, कुछ देर बाद जब कार्बोरेटर का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तब फिर से 0 करूँगा। तो चलिए तेल ख़त्म ही होने वाला है और बाइक भी थोड़ा सा अप डाउन कर रहे हैं, एकदम बंद होने के बाद भी आधी हम पेट्रोल छोड़ेंगे। तो देखिए बाइक एकदम से बंद हो गया, छोड़ो उस चाबी को छोड़ दो, मैंने ऑन कर दिया। चलिए देखते हैं, मैंने ट्रिप मीटर को कर लिया है 0। चलिए देखते हैं कितना दूर जाता है ये बाइक। एवरेज रीडिंग इसका देखिए 5.0, पूरा 5.0
5 किलोमीटर। तो 100, तो फ्रेंड्स 100 ml पेट्रोल पे देखिए, ये 100 ml पेट्रोल मैंने दिया था, ओके। तो इसमें पूरा 5 किमी चला, मान के चले एवरेज 45 किलोमीटर तो इस बाइक में देगा, ओके, उससे ज़्यादा नहीं देगा। तो फ्रेंड्स आप देख लिया कि एक सुपर स्प्लेंडर बाइक एवरेज देख सकते हैं 100 ml पेट्रोल पे 5 किलोमीटर चल रहे हैं, ओके। और आपको लोगों को प्लग भी खोल के इसका दिखाता हूँ कि माइलेज सही हुआ कि नहीं हुआ। और प्लग भी देखिए, प्लग एकदम वाइट हो गया है, ओके, जिस तरह का प्लग होना चाहिए उस तरह का ये एवरेज देने लगी है, देख सकते हैं। तो यही इसका प्रॉब्लम था जो वीडियो में पूरा आपको दिखाया, ओके। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।